तो हाल ही का दोस्तों अभी एक ऐसा इन्फॉर्मेशन है ना भाई, वो अगर आप लोग सुन लो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग शायद से या तो पागल होने वाले हो, नहीं तो भाई खुशी से झूमने वाले हो। क्योंकि भाई यामाहा कंपनी की तरफ से अभी क्लियर कर दिया गया है ऑलमोस्ट कि ये जो यामाहा MT-03 और ये जो R3 वाला मॉडल है तो ये अभी लॉन्च होने वाला है इस इंडियन मार्केट में। और इसको आज से कुछ ही दिनों पहले ही इंडियन कुछ यामाहा के ही डीलर्स के द्वारा दिखाया भी गया था, मतलब यामाहा के ही जो एक इवेंट हुआ था छोटा मोटा, मतलब डीलर्स का, तो उसके अंदर कुछ ये दिखाया गया था। और इसके ही साथ इसका जो बड़ा भाई है मतलब कि MT-07 और R7 वगैरह जो भी कुछ है तो उनको भी दिखाया गया था। तो ये तो सारा कुछ भाई अलग बात है, लेकिन आज की इसी वीडियो के अंदर हम लोग यामाहा के ही R3 और MT-03 वाले मॉडल्स के बारे में बात करने वाले हैं कि इसके अंदर हमें क्या कुछ न्यू देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखते रहना, शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो हाल ही का दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, तो ये भाई 99.99% की एक्यूरेसी के साथ में है कि ये जो बाइक्स दोनों है ना तो ये भी लॉन्च होने वाले हैं। मतलब कि भाई अभी कुछ ही दिनों पहले ना यामाहा कंपनी की तरफ से यामाहा MT-03 और यामाहा के ही जो R3 वाला मॉडल है तो उसको डीलर्स के ही कुछ एक इवेंट के द्वारा शोकेस किया गया था। तो ये जो कुछ सीन है ना, तो ये अभी कुछ यही दिखाता है कि ये जो बाइक है तो ये इस इंडियन मार्केट में इसी साल ही लॉन्च होगा। और इसी साल तो भाई छोड़ो, अगले 2 या फिर 3 महीने के ही अंदर मुझे सब कुछ लग रहा है कि ये लॉन्च होने वाला है इस इंडियन मार्केट में। तो ये तो सीन अलग है, लेकिन हाँ भाई हम लोग अगर बात करें अभी इन दोनों ही बाइक्स का, मतलब कि ये R3 और MT-03 वाले मॉडल का कुछ ये पावर एंड फीचर्स के बारे में, देखो दोस्तों पहला जो चीज हमारे सामने जो आया ना तो वो है इन दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको जो देखने को मिलेगा इंजिन, मतलब कि MT-03 और R3 वाले मॉडल के अंदर आपको जो देखने को मिलेगा इंजिन तो वो एकदम ही सेम है। मतलब कि MT-03 और R3 वाले मॉडल के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है जो इंजन, तो ये एक DOHC 4 वाल्व वाला एक इंजन है जो कि इनलाइन 2 सिलेंडर वाला इंजन है। और उसके हिसाब से ये वाला जो इंजन है तो ये 321cc वाला इंजन है जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 42 bhp। और ये वाला इंजन जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है तो वो है 29.2 Nm। और इसके अलावा 6 स्पीड का गियर बॉक्स देखने को मिलेगा। इसके अलावा अभी के डेट में ये भी कुछ बोला जा रहा है कि 2023 वाले या फिर 2024 वाले इसी न्यू मॉडल के अंदर आपको देखने को मिलेगा ये जो क्विक शिफ्टर या फिर जो ऑटो ब्लिपर वाला जो सीन है। तो ये भी मतलब कि ये जो दोनों न्यू मॉडल्स है ना तो इसके अंदर आपको कुछ न्यू फीचर्स भी देखने को मिलेगा। और इसके अलावा हाँ दोस्तों इन दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है ब्रेकिंग सिस्टम में डिस्क ब्रेक के साथ साथ डुअल चैनल ABS का ऑप्शन। और इसके अलावा इन दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा सामने USD 4 और पीछे मोनोशॉक एब्जॉर्बर। और इसके अलावा अगर लाइट्स का सेटअप के बारे में बात करें तो ये MT-03 और R3 वाले मॉडल के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है LED लाइट्स का सारा लगभग सेटअप, मतलब कि हैलोजन वाला जो बल्ब्स का ये जो इंडिकेटर्स है तो ये अगर साइड में कर दिया जाए तो इन दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको लगभग सारा ही LED के अंदर ही देखने को मिलेगा। और इसके अलावा ये MT-03 वाले मॉडल के अंदर तो आपको सामने देखने को मिलेगा एक LED प्रोजेक्टर लाइट भी, तो जो भी है लेकिन है सीन कुछ ऐसा ही है लाइट्स के सेटअप में इन दोनों ही बाइक्स के अंदर। और इसके अलावा इन दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको मीटर कंसोल जो है ना तो वो देखने को मिलेगा पूरे ही तरीके से डिजिटल वाला, जो कि भाई मतलब बहुत सारा कुछ फीचर्स के साथ में तो नहीं लेकिन हाँ ठीक ठाक फीचर्स के साथ में आ जाता है। और हाँ दोस्तों इन दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा ये जो ट्रैक्शन कंट्रोल वाला जो फीचर है तो वो भी, और एंटी शिफ्ट वाला जो भी कुछ फीचर्स है तो ये भी कुछ देखने को मिलेगा। और हाँ दोस्तों इन दोनों ही बाइक्स का बहुत सारा कुछ कलर्स ऑप्शन भी है लेकिन अभी कुछ सामने ऐसा आया नहीं है, लेकिन हाँ इस इंडियन मार्केट में जब भी ये दोनों बाइक्स लॉन्च हो जाएगा तो उसके बाद तो भाई बहुत सारा कुछ रिवील हो ही जाएगा। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल दो भाई। और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे ही तरीके का और भी कई सारे कुछ वीडियोस हर दिन देख सकते हो इस वाले चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।